सबसे पहले तो मैं आपका मशहूर हूँ आपके चैनल का कि आपने मुझे मौका दिया है कि मैं अपना मौकफ आप तक बल्कि अवाम तक पहुँचा सकूँ। हार जीत मिन जाने बराबर है, वतुज़ु मंतशा वतुज़िलु मंतशा। मेरे हारने की जो सबसे बड़ी वजह थी वो जैसा आप जानते हैं कि मैं मजदूर की आवाज़ था, और जो शख्स मजदूर की आवाज़ है, जो मेरिट की बात करेगा, उसको इस माहौल में ना आगे आने दिया जाता है। क्योंकि सीडीए के अंदर एक मुनज़्ज़म गैंग है, एक ऐसा जेब कुतरों का टोला है, एक ऐसा करप्ट माफिया है जो नहीं चाहता कि माली बेलदार खाकरोब नायब कासिद सिक्योरिटी गार्ड मेसन प्लम्बर ये वो तबका है जो किसी न किसी हवाले से तालीम हासिल नहीं कर सकता, जिसके घर में आलू प्याज टमाटर का मसला उसको घर गाड़ी का मसला नहीं। तो मैंने उसकी आवाज़ बनने की कोशिश की, मैंने उन करप्ट अफसरान से हाथ नहीं मिलाया, मैंने उस करप्ट लैंड माफिया से कब्जा माफिया से हाथ नहीं मिलाया। तो जाहिर है इसकी फिर आपको कीमत तो देनी पड़ती, और मैं एक बारी नहीं मैं हजार बार ऐसी हार कबूल करने को तैयार हूं जिसमें आपको एक गरीब की दुआ मिले और गरीब का मैंडेट मिले। 4000 हमने वोट लिया और ये जद्दोजहद जारी है इंशाल्लाह। अच्छा, क्योंकि सीडीए के हवाले से बातचीत करूंगा वो ये कि इलेक्शन जो आप लड़े हैं इसमें सर एक तो फर्स्ट फ्लोर प्लाटों के अलॉटमेंट के हवाले से और जो जिन अफसरान के जिन वर्कर्स के जो बच्चे भर्ती होते हैं उनमें सर काफी मुश्किल है, सर उसकी क्या वजूहत है? जनाब अली, बात यह है कि जो यूनियन का जो जनरल सेक्रेटरी होता है जब वो सीडीए बन जाता है तो वो चार्टर ऑफ डिमांड पेश करता है, वर्क काउंसिल बनाता है। हमारी सीडीए की बदनसीबी ये है कि यहाँ पे मेरे बुजुर्ग पहले थे फरद कमाल पाशा साहब, उन्होंने जब 1960 के बाद का जो टेन्योर उनका गुजरा 2006 तक, उसमें आप अगर देखें हमने इस अदारे को ज़ियाउल्लाह साहब के दौर में पेंशनेबल करवाया, हमने इसमें 4500 भर्ती करवाई, 2600 बंदा रेगुलर करवाया, 4500 प्लॉट्स दिलवाए, मसीह कॉलोनियां 8 बनवाई। ये सारे काम इसलिए हुए कि लीडर जो होता है अगर तो वो अपने पेट पे पत्थर बांध के मजदूर का काम करे तो फिर तो प्लॉट्स भी मिलते हैं, भर्ती भी होती है, प्रमोशन भी होती है। लेकिन जब आप इकरा बपरवरी पे आ जाएं, अब मेरा मकसद अगर ये हो कि मैंने जीतने के बाद अपने भाई को परवान चढ़ाना है, अपने बेटे को परवान चढ़ाना है, तो फिर मजदूर रुसवा होता है और लीडर जोन सा है वो पेनिट्रेट कर रहे होते हैं। सीडीए की बदनसीबी ये है कि चौधरी यासीन साहब की सूरत में एक करप्ट माफिया जो हैंड्स इन ग्लव्स इंतजामिया की गोद में बैठ के जब वो जीता तो इंतजामिया को पता लग गया कि यार एक अंगूठा छाप इंसान हम ले आए हैं जिसको ना सीडीए के कानून का पता है, ना रूल्स ऑफ बिजनेस का पता है, ना 92 रेगुलेशन का पता है, ना सर्विस स्ट्रक्चर का पता है। स्याह कराओ सफेद कराओ गलत कराओ झूठ कराओ स्याह कराओ, उसमें क्या हुआ कि उनकी कीमत उन्होंने क्या लगाई, आप अपने बच्चे भर्ती करवा लें। अब जो आपने सवाल किया कि मुलाजमीन के बच्चे क्यों नहीं भर्ती हुए, आप देखें कि चौधरी यासीन साहब का पूरा खानदान भर्ती है लेकिन सीडीए के मजदूर का बच्चा भर्ती नहीं है, उनके प्लॉट्स मिल चुके हैं, उनकी प्रमोशनें हो चुकी हैं। तो जब आप इज्तिमाई सोच खत्म करके इंफरादी सोच बनाते हैं तो फिर काम नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कब्जा माफिया और चंद लोग जो होते हैं वो उसमें पनप रहे होते हैं। ये सबसे बड़ी वजह है, लीडरशिप का फुकदान है हमारे इदारे में। सर थोड़ा सा आपके वाले से वो ये पूछूंगा कि क्योंकि सीडीए की सियासत में आप आ चुके हैं, सियासी बैकग्राउंड क्या है आपका, आपके वाले साहब जो है फरद कमाल पाशा साहब उनके हवाले से बातचीत करूंगा, थोड़ा बताना पसंद करेंगे। जनाब मेरे वाले साहब का बैकग्राउंड ये है कि सीडीए के अंदर वो इस इदारे के बानी हैं और ग्रास रूट लेवल के वर्कर थे, और ग्रास रूट लेवल से किस तरह जुल्फकार अली भुट्टो के वो जियाले थे, आपको सच्ची बता दूं, उनके विजन को पसंद करते थे और उसके बाद पीपल्स पार्टी को जिन वजूहत पे छोड़ा वो भी मजदूर के कामों के पीछे छोड़ा। उन्होंने अपनी सियासत का आगाज सीडीए से किया, एक आम वर्कर थे, मैं आपको बता रहा हूँ, एक आम वर्कर के तौर पर, और 74 की दिहाई के अंदर एज अ सेनेटर नामजद हो चुके थे। उसकी अलग वजूहत है कि उनको टिकट ना दिया गया या उनके टांगे खींची गई, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जिस तरह जुल्फकार अली भुट्टो साहब पाकिस्तान के लोगों के लीडर थे, इस तरह
अगर इस्लामाबाद में या मजदूरों में देखा जाए तो मजदूरों का भुट्टो मेरा वालिद था, उसने इस मजदूर को जुबान दी कि बदमाश के सामने नहीं खड़े होना, अगर खड़े होना तो देरी से खड़े होना, गिर अगर उसके डर के खड़े होना तो फिर कोई जरूरत नहीं। नंबर एक। नंबर दो, ये इदारा जो वर्क चार्ज इदारा था और ज़ियाउल्लाह साहब का दौर था, 16 MPO लगा हुआ था, शहर बदरी थी, कोड़ों की सजा होती थी, पॉलिटिकल एक्टिविटी की इजाजत नहीं होती थी। उस दौर में मेरे वालिद साहब ने इस इदारे को रेगुलाइज करवा दिया था। तो ये वो बैकग्राउंड है, मैं उसी की लेगेसी हूँ। और मैं आपको हकीकतन बताना चाहता हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि प्यो गया तो पुत्र आ गया। मुझे मेरी तंजीम में इस वक्त मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरा कोई चाचा मामा ताया नहीं है। मुझे लोगों ने ये जिम्मेदारी दी है। इंग्लैंड से मैं क्वालिफाइड हूँ, मैंने MBA किया हुआ है बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर कोवेंट्री यूनिवर्सिटी बर्मिंघम से, और स्कॉटलैंड यार्ड के एडमिन सेक्शन में जॉब कर चुका हूँ। और इंशाल्लाह ताला इस इदारे के अंदर जब भी मुझे इख्तियार मिलेगा तो हम फरद कमाल पाशा की हिस्ट्री दोहराएंगे और गरीब की आवाज़ बनेंगे। सर, क्योंकि इंटरनेशनल आपने स्टडी की और वहाँ पे इंटरनेशनल में अमूमन एक एक रुपए का जो सवाल उसकी छानबीन होती है, पूछा जाता है। लेकिन हमारे CDA के अंदर सिस्टम जो है वो ये है कि मजदूर है वो गरीब से गरीब तर होता जाता है और जो अफसर है वो अमीर से अमीर तर होता जाता है। क्या वजह है सर? और इन्हीं अफसरान को अमूमन करप्ट कहा जाता है, ये ओवरऑल ये हर जुबान का जवाब है। इस पर बयान करेंगे जनाब। आपके चैनल के तवज्जो से मैं एक अपील आज करना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है। मैं नैब, FIA, रैब, जितनी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं, अगर वो मेरा मैसेज सुन रही हैं, तो मैं बतौर इज्जत कमाल पाशा अपने आप को आज पेश कर रहा हूं। मैं अपने वालिद की कब्र का ट्रायल करवाने को तैयार हूं 28 साल का। बराए मेहरबानी CDA में नोटिस लिया जाए। और ये CDA के जितने लीडरान हैं, जिसमें चौधरी यासीन साहब है, अमानुल्लाह खान साहब हैं, फरद कमाल पाशा मरहूम साहब थे, वो बाशमूल मेरे, जरा हमारे असासे को चेक किया जाए, जरा हमारी बैंक स्टेटमेंट चेक की जाए, जरा चेक किया जाए कि ये जो 22 लाख रुपया महीना यूनियन फंड आता है, ये हमारे साथ CDA के मुलाजिम हमारे भाई बैठे हुए हैं, शौकत साहब हैं, बड़े जबरदस्त हमारे पाशा ग्रुप के सरगर्म कारकुन भी हैं और वर्कर भी हैं। इनसे पूछे कि इनकी तनख्वाह से पैसे काटे जाते हैं, क्या वो पैसा आज तक मजदूरों पर लगाया गया? किसी की बच्ची की शादी की गई है? ये जिस जगह हम बैठे हुए हैं, ये हमारे भाई हैं राजा हरमून साहब, हमारे सिर का ताज हैं। मैं CDA के अंदर अगर इलेक्शन लड़ा तो अल्लाह सुबहान व तआला के बाद और पूरे इस्लामाबाद में अगर मेरे साथ कोई एक भाई खड़ा था तो वो राजा हरमून साहब खड़े। राजा हरमून साहब की सपोर्ट क्या थी? क्योंकि हमें तो एक जगह हर जगह जो आपके साथ नजर आया, आपके बाजू जो बने रहे राजा हरमून साहब नजर आए, उनकी क्या सपोर्ट थी इस इलेक्शन के अंदर? जनाबे अली, वो इलेक्शन हार चुके हैं जी। राजा हरमून साहब की सपोर्ट ये थी कि आज इज्जत कमाल पाशा को जो वोट बैंक मिला है, आज इज्जत कमाल पाशा को पूरे इस्लामाबाद में जाना जाता है। इससे पहले 2012 का मेरा इलेक्शन देख लें, 2017 में मैं इलेक्शन लड़ नहीं सका था, लेकिन 2021 के अंदर जब राजा अरुण साहब ने मेरी हमायत का ऐलान किया तो पूरा इस्लामाबाद जितना यहां माफी है वो सब मेरे खिलाफ थे। और ये मेरे भाई मेरे साथ थे, और मैं आपको ये भी बता दूं कि किसी मकसद या किसी लालच से मेरे साथ नहीं थे। अल्लाह ताला ने इनको नवाजा हुआ है, शख्सियत भी है, काबिल भी है, दिलेर भी है, हमारा भाई है। मैं इतना जानता हूं कि मेरे साथ इस मुश्किल वक्त में जिस दिलेरी के साथ, जिस जुरत के साथ, जिस गैरत के साथ इस भाई ने मेरा साथ दिया, मैं इसका कर्ज सारी जिंदगी नहीं उतार सकता। और अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला जिस तरह ये BOH का देखे, मैं एक सवाल आपका सुन रहा था कि जी राजा अरुण साहब आपका कोई ओहदे का इशू था, ये हमारा भाई ओहदों से बालातर है। ये इसलिए ओहदों से बालातर है कि ये VOH जिसके अंदर ये 3 बच्चों की कफालत है, ये उसको रन कर रहे हैं और इनकी कंड कोई मऊ का लाल नहीं लगा सकता, क्योंकि इसके पीछे यतीमों की दुआ है। और अल्लाह ताला इनको इज्जत भी देगा, इनको मकाम भी देगा। और CDA एम्प्लॉयज यूनियन पाशा ग्रुप बगैर मशरूत, बगैर किसी सिस्टम के हम इनके साथ खड़े हैं, जिस तरह ये हमारे साथ खड़े थे, और ये ताल्लुक इंशाल्लाह आगे बढ़े। सर, इस्लामाबाद को चलाने वाले जो इदारे हैं उनमें CDA है और मेट्रोपॉलिटन है। सर, बल्दियाती एक निज़ाम भी है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि क्या ये होना चाहिए, इसमें इतनी शफाफियत है जो ये कि आम आवाम के मसाइल को हासिल है? क्योंकि CDA तो हर जगह नहीं पहुंच सकता, क्योंकि बेशतर ऐसे जो शहर के जो इलाके हैं वहाँ CDA काम करें, लेकिन है कि
जो दिल्ली जो इलाके हैं वहां सीडीए बिल्कुल नहीं पहुंच सकता, तो इस बारे में क्या कहेंगे बलदियाती निजाम के बारे में? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं 15 साल इंग्लैंड में रहा, इंग्लैंड के अंदर है ही लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। अब जो बंदा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के अगेंस्ट बोले, मेरा ख्याल है कि वो फिर वही है कि वो इख्तियार अपने हाथ में रखना चाहते हैं। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, आइन पाकिस्तान में ये लिखा हुआ है कि निचले लेवल के ऊपर इख्तियार को ट्रांसफर किया जाए, इसमें तो आप ही मेरा ख्याल ऑन बोर्ड है। अभी सीडीए और एमसीआई का इशू क्या है? सीडीए और एमसीआई का इशू इलेक्शंस नहीं है, यहां पर रूल्स ऑफ बिजनेस तय नहीं हो पा रहे। मैं 12 अपील कर चुका हूं इस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, ये जो ऑर्डिनेंस लेके आए हैं, इस ऑर्डिनेंस के अंदर इतने ज्यादा लकूनाज हैं, इसके अंदर इतने ज्यादा ड्रॉबैक्स हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि कल जब एमसीआई का इदारा बनता है जिस तरह पहले बना था, तो उनकी लॉ डायरेक्टरेट नहीं है, उनकी फाइनेंस डायरेक्टरेट नहीं है। कल जब हमारे यूसी चेयरमैन यहां पर डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो लॉ तो सीडीए के पास है, फाइनेंस तो सीडीए के पास है, तो वो क्या फिर 5 साल उस फंड्स के लिए जंग लड़ते रहेंगे? मैं ये कह रहा हूं कि रूल्स ऑफ बिजनेस को तय किया जाए, सीडीए के मुलाजमीन की पेंशन, प्लॉट, अस्पताल, कोटों, कब्रिस्तान, जो कुछ वो गरीब को मिल रहा है उसको कानूनी आईनी तहफ्फुज़ दिया जाए, और सीडीए अगर डेवलपमेंट का इदारा है वो डेवलपमेंट करे, और उसके बाद अगर ऐसा कोई फार्मूला किया जाता है तो फिर तो जबरदस्त है। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला अनकरीब ये अच्छे फैसले आ जाएंगे, और इन फैसलों के बाद अवाम भी बाख्तियार होंगे, लोग भी बाख्तियार होंगे, और निचली सतह पे जब इख्तियार जाएंगे तो मैं आपको यकीन पता है जो रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, देखें हमारे बच्चों को ग्राउंड से नहीं, सीडीए इस वक्त 1980s की दिहाई के बाद हम कोई सेक्टर नहीं बना सके, कोई सेक्टर डेवलपमेंट नहीं। सीडीए वाटर सप्लाई, एमसीआई के अंदर आपका वाटर सप्लाई आता है, सैनिटेशन आता है, सिटी सीवरेज आता है, फायर ब्रिगेड आता है, ये सारी जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सर्विसेज हैं ये सीडीए प्रोवाइड करता है। अब इस वक्त अगर जहां बैठे में यहां पे सीडीए का रिकमेंडेड नुमाइंदा कोई नहीं, या मेट्रोपॉलिटन का रिकमेंडेड नुमाइंदा कोई नहीं, अगर यहां पे जो लाइनें ठीक करवानी है, जो ग्राउंड्स बनवाने हैं जिस तरह राजा साहब कह रहे थे, उसके लिए जब इलेक्टेड लोग होंगे, थ्रू प्रॉपर बिल होंगे, तो आप सोच सकते हैं कि वो इस पूरी बेल्ट को उठा के कहां ले जाएंगे? पानी, बिजली, गैस, ग्राउंड्स, एजुकेशन, मेडिकल, ये सारी वो चीजें हैं जो इस वक्त रूल्स ऑफ बिजनेस तय नहीं है। मैं आज भी इस चीज के ऊपर बज़िद हूं क्योंकि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं। सीडीए का ऑर्डिनेंस है 1960 और गवर्नमेंट का ऑर्डिनेंस है 2022, ये क्लैश है। ये जो यूसी चेयरमैन कल हमारे बनेंगे, इन यूसी चेयरमैनों के पास कोई फंड नहीं होगा, ये कैसे अपने लोगों को सर्व करेंगे? क्या ये ज्यादती नहीं है उनके साथ? तो इसको अगर तय कर लिया जाए फॉर्मूले को, और ये बिल्कुल एक लाइन है, एक लाइन है, एक अमेंडमेंट लानी है जिसके तहत ये काम ठीक हो जाएगा, जो हम कोशिश करेंगे कोर्ट से ठीक करवा लें, और कोर्ट इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला अनकरीब फैसला भी देने जा रही है, और इंशाल्लाह ताला जो लोकल नुमाइंदे इलेक्टेड होंगे मुझे उम्मीद है कि अच्छे होंगे, और ये होना चाहिए, ये आपके आइन का हिस्सा है। इसकी मुखालफत करना तो मेरा ख्याल आइन की मुखालफत करने के बराबर है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो मुलाजमीन के हकूक है उसको वापस दें। सर आखिर में आपसे ये पूछूंगा कि मुस्तकबिल में आप क्या करने जा रहे हैं? हारी हुई जंग के सिपाही की तरह कोने में बैठ जाएंगे या दोबारा से तगोदो करेंगे, मेहनत करेंगे और दोबारा से फ्रेश होके आएंगे, दोबारा से इलेक्शन लड़ेंगे? जनाब मुझे राजा अरुण साहब बैठने नहीं देते, उन्होंने कह दी कि खिदमत जारी रखें, बल्कि ये मैं आप समझें कि मैं उनके दफ्तर में बैठा हुआ हूँ। इन्होंने हमेशा मुझे ये कहा है कि ये मेरा दफ्तर आपका दफ्तर है, और मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस शख्स के अंदर हार बर्दाश्त करने का मादा नहीं होता ना, उसको पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। हार, जो शख्स हार बर्दाश्त करे और उस हार से निकल के दोबारा उठे, 30 साल का मैं मुस्तकबिल आपके सामने सीडीए का बैठा हूं। इंशाल्लाह 2024 में जब हमारा अगला रेफरेंडम आएगा तो आप देखिएगा कि हमारे मध्य मुकाबले लोग कैंडिडेट ढूंढ रहे होंगे, और एक ही आवाज होगी इज्जत कमाल पाशा की। तो इंशाल्लाह ताला हमारी मकसद क्या है? अपोजिशन में बैठ के गलत कामों की निशानदेही करना। मैंने चौधरी मोहम्मद यासीन को यह चैलेंज किया हुआ है कि अब तक जो तुमने वक्त गुजारा वो तुमने ऐसे लोगों के मध्य मुकाबल गुजारा जो तुम्हारी साथ मिल के सीडीए में करप्शन करते थे। अब मेरे होते हुए कोई एक गलत काम करवाओ, 7 महीने हो गए,
कोई ये गलत प्रमोशन करवाओ, कोई किसी मजदूर का चंदा खाओ, किसी बेवा को रोलो, किसी यतीम के बर्ती के पैसे खाओ, इंशाल्लाह ताला तुम्हारे साए के भी पीछे मैं पड़ा हूँ, हम ये बदमाशी नहीं होने देंगे। बस ये मेरी ड्यूटी है अगले इलेक्शन तक, उसके बाद जब वोटें होंगी फिर देखेंगे अगर जिम्मेदारी मिली। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कीमती वक्त दिया। नाज़रीन ये थे इज़्ज़त कुमार पाशा साहब जो कि सबक उम्मीदवार हैं सेक्रेटरी सिटी एम्प्लॉयज़ यूनियन की। इसके साथ ही नाज़रीन आपसे इजाज़त दूंगा इमरान मलिक